मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। ये गाना सुनते ही आपको साल 2000 में आई फिल्म मेला तो याद आ ही गई होगी, जिसमें आपको अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना, अभिनेता आमिर खान जैसे कई दमदार कलाकार नजर आए थे और इन कलाकारों ने अपने दमदार एक्टिंग और अपने एक्सप्रेशन से दर्शकों को दीवाना बनाया था। वहीं इस फिल्म में शंकर के किरदार में नजर आने वाले अभिनेता ने अपने एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे भाई के किरदार को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था और दर्शक इनके किरदार की वजह से इन्हें आज भी भुला नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे 21 साल हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन बीते सालों में इस फिल्म में नजर आए शंकर के किरदार को निभाने वाले ये कलाकार आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको शंकर के किरदार में नजर आने वाले अभिनेता के आज के हालातों से रूबरू कराने वाले हैं। अगर आप भी इनसे जुड़ी सभी बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही इस फिल्म के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेला फिल्म में शंकर के किरदार को निभाने वाले अभिनेता का असली नाम फैजल खान है और इनका जन्म 1 सितंबर 1966 को महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से कंप्लीट की है। अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो हम आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम से की थी और इस फिल्म में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने अपने क्यूट एक्सप्रेशन से सबका दिल जीत लिया था, जिसके बाद इन्हें कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे दुश्मनी और मदहोश जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री के कई सीरियलों में भी काम किया है, तभी तो अभिनेता फैजल खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अभिनेता फैजल खान बीते 21 सालों में आज काफी ज्यादा बदल गए हैं। जहां अभिनेता फैजल खान मेला फिल्म के अंदर काफी सिंपल नजर आए थे, जी हां, आपको बता दें कि इस फिल्म में ब्लैक जाली वाली बनियान और ब्लैक जीन्स और शर्ट पहने नजर आए थे, साथ ही गले में काला धागा पहने और हाथ में रुमाल बांधे हुए काफी सिंपल अंदाज में नजर आए थे। पर आज अभिनेता फैजल खान काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जी हाँ, बढ़ती उम्र के साथ साथ इनके चेहरे पर झुर्रियां दिखने को मिलती हैं और इनकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स भी दिखाई देते हैं। पर आपको बता दें कि बीते सालों में अभिनेता फैजल खान के अंदर काफी बदलाव देखने को मिला है। आज ये काफी ज्यादा स्टाइलिश ड्रेस कैरी करते हैं और शर्ट, पैंट, ब्लेजर और जीन्स टी शर्ट पहने हुए सिंपल लुक में नजर आते हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें, पिछले कुछ सालों से ये एक्टिंग की दुनिया से दूर है, जिन्हें लास्ट टाइम साल 2018 में मोगुल फिल्म में देखा गया था। अगर अब बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो आपको बता दें कि अभिनेता फैजल खान ने अभी तक शादी नहीं की है और फिलहाल अभी ये सिंगल हैं और अपने फैमिली के साथ मुंबई में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आप अभिनेता फैजल खान के बदले हुए रूप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।